शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में आए खटास के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की तैयारी। यह मुलाकात बुधवार की शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। दोनों सहयोगियों में हाल के दिनों में काफी तल्खी देखी गई है। पालघर उपचुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने थी। बीजेपी का ये कदम अपनी नाराज सहयोगी तक पहुंचने की एक कोशिश है, जो खुलकर उसके वरिष्ठ नेताओं की आलोचना करती है। ये मुलाकात बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत मुंबई में होगी। शिवसेना और बीजेपी के तल्ख रिश्तों के बीच ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी शिवसेना ने 7 जून को हुए पालघर लोकसभा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शिवसेना के मुताबिक अमित शाह ने पालघर लोकसभा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शिवसेना के मुताबिक अमित शाह ने उद्धव जी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। इसके बाद उन्हें मुलाकात के लिए बुधवार शाम का वक्त दिया गया है। स्वागत है उनका। मातोश्री पे अमित शाह जा रहे हैं, बहुत साल के बाद मातोश्री पे पधार रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, मातोश्री की परंपरा है मेहमानों का स्वागत करें, और ये परंपरा हम बाला साहब के बाद भी जारी है। तो कल 6:30 बजे का समय है, समय मांगा था उनकी तरफ से और उनको 6:30 बजे का समय दिया है शिवसेना पार्टी चीफ ने, तो कल उनकी मातोश्री पे मीटिंग हो सकती है। फिर कुछ एजेंडा, कुछ बातें? एजेंडा हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा उनके पास है। हमने कोई एजेंडा तय नहीं किया है। अगर उनके पास कोई एजेंडा होगा मीटिंग का तो मुझे पता नहीं। बिहार में भी एनडीए की बैठक बुलाई गई है और उपचुनावों की हार के बाद सहयोगी दलों से रिश्ते सुधारने की कवायद तेज हो गई है। अमित शाह 7 जून को चंडीगढ़ में रहेंगे। वो अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात करेंगे। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत मुलाकात होगी। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और राज्य के हालात पर भी चर्चा करेंगे। सहयोगी दलों से मेल मिलाप का सिलसिला है ताकि उनकी शिकायतों को सुना जा सके। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।